अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज है सोमवार। सिन वाव सो, मीम वाव मो, अलिफ रे। सोमवार 24 अगस्त। सोमवार 24 अगस्त 2020। आज की डेट है सोमवार 24 अगस्त 2020। सब्जेक्ट सब्जेक्ट उर्दू, अलिफ रे दाल वो। सब्जेक्ट उर्दू। जमात दोम। सब्जेक्ट उर्दू जमात दोम। दोहराई करेंगे, दोहराई है आज हमारी। नज़्म हमदर्दी, नज़्म हमदर्दी। एक नज़्म है, दूसरा सबक है। सबक आमना का नया स्कूल। आज हम इन दो लेसन की रीडिंग रिवीजन करेंगे, नज़्म हमदर्दी और सबक आमना का नया स्कूल। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नज़्म हमदर्दी के अल्फाज मानी हैं, इसके सवाल जवाब नहीं हैं, सिर्फ अल्फाज मानी हैं। अल्फाज मानी पढ़ते हैं। शजर दरख्त। शजर का मीनिंग है दरख्त। नंबर टू पर है तन्हा अकेला। नंबर थ्री पर है आशियां घोंसला घर। इसके दो मीनिंग हैं, आशियां घोंसला घर। नंबर फोर पर है मशल मोटी बत्ती या शमा। मशल मोटी बत्ती या शमा, आप दोनों मीनिंग भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। नंबर फाइव पर है अहवजारी रोना धोना। अहवजारी रोना धोना। एक बार फिर से पढ़ते हैं। शजर दरख्त, तन्हा अकेला, आशियां घोंसला या घर, मशल मोटी बत्ती या शमा, दोनों भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। आहवजारी रोना धोना। नेक्स्ट लेसन है आमना का नया स्कूल। इसके अल्फाज मानी काश्त खेती बाड़ी। काश्त खेती बाड़ी। नंबर टू पर है तामीर इमारत बनाना या मुरम्मत करना। तामीर इमारत बनाना या मुरम्मत करना। नंबर थ्री पर है इलाज मुआलजा। तीन इसके अल्फाज मानी हैं, आगे सवाल जवाब हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं। आमना के गाँव का क्या नाम था। आमना के गाँव का क्या नाम था। इसका जवाब है आमना के गाँव का नाम फतेहपुर था। आमना के गाँव का नाम फतेहपुर था। सवाल नंबर दो है गाँव के ज़्यादातर लोग क्या करते थे। गाँव के ज़्यादातर लोग क्या करते थे। इसका जवाब है गाँव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। गाँव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सवाल नंबर तीन। गाँव वाले आमना के दादा को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा क्यों देते थे। गाँव वाले
आमना के दादा को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा क्यों देते थे? इस सवाल का जवाब है, गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इसलिए देते थे कि गांव में एक स्कूल बन सके। गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इसलिए देते थे कि गांव में एक स्कूल बन सके। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने अपना काम लिखना भी है नीट एंड क्लीन राइटिंग में और याद भी करना है।